प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 2 का नैतिक शिक्षा बुक पाठ 9 कहानी। कहानी का शीर्षक है कामचोर गधा। एक व्यापारी था, उसे सामान इधर उधर पहुँचाना होता था। इस कार्य में वह अपने एक गधे को उपयोग में लाता था। एक बार व्यापारी को नमक बाजार पहुंचाना था। वह गधे पर नमक लादकर बाजार की ओर चला। बाजार के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जैसे ही व्यापारी तथा गधा नदी पार करने लगे तो गधे का पैर फिसल गया। गधा नदी में गिर पड़ा। गधे के पानी में फिसलने पर कुछ नमक नदी में घुल गया। नदी से बाहर निकलने पर गधे को अपने ऊपर बोझा कम लगा। अब गधे को जितनी बार भी नमक लाना पड़ता वह नदी में फिसल जाता। उसे गधे का बोझा कम हो जाता, परंतु व्यापारी इसे बहुत दुखी रहता। एक बार व्यापारी ने गधे को सबक सिखाने की सोची। व्यापारी ने इस बार गधे पर रुई का गट्ठर लादा। रुई का गट्ठर नमक से बहुत हल्का था, फिर भी गधे की काम चोरी करने की आदत ना जा सकी। जैसे ही दोनों ने नदी में प्रवेश किया, गधा पैर फिसलने का बहाना करके नदी में लेट गया। रुई ने बहुत सारा पानी सोख लिया। अब उसमें नमक से भी अधिक बोझा हो गया। नदी से बाहर निकलने पर गधे ने अपने ऊपर बहुत अधिक बोझा पाया। अब उसे एक भी कदम आगे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। व्यापारी मन ही मन बहुत बहुत खुश था। वह धीरे धीरे चलने के कारण गधे को जोर जोर से डंडा मार रहा था। जैसे तैसे गधा हाँफते हुए बाजार पहुंचा। रुई का भारी गट्ठर उतारने पर ही उसके दम में दम आया। अब गधे ने कभी काम चोरी ना करने तथा स्वामी के प्रति ईमानदारी होने की शपथ ली। शिक्षा: आलस एक बड़ा अवगुण है। इसे बहाने बनाना, झूठ बोलना तथा काम चोरी करने जैसे दूसरे अवगुण पैदा होते हैं। इसे व्यक्ति को स्वयं बड़ी हानि होती है। प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।